त्योहार पर पुलिस का फ्लैग मार्च। ईद के त्योहार पर कांदिवली पुलिस का जंबो फ्लैग मार्च। ईद के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो इसलिए कांदिवली पुलिस की टीम पूरे इलाके में एक जंबो फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और भीड़ भाड़ नहीं करने की अपील करते हुए नजर आए। ये फ्लैग मार्च कांदिवली पश्चिम लिंक रोड, लालजी पुलिस चौकी, कोसलिया रोड, गणेश नगर, अभिलाष नगर, संजय नगर से होते हुए वापस लिंक रोड, लालजी पाडा पुलिस चौकी के पास आकर खत्म हुआ। इस फ्लैग मार्च में मालवणी डिवीजन की ACP स्मिता भोसले, कांदिवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाबा साहेब सालुंखे और पुलिस निरीक्षक विजय कादल गांवकर के साथ पुलिस की टीम शामिल थी। नव भारत समाचार कांदिवली मुंबई महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। सब भाई बहनों को विनती है कोई भी रोड पे नहीं आना है, अपने अपने घर पे रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोई भी गली में भीड़ नहीं करना है। पुलिस रूट मार्च के लिए आई है, कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आई है, लेकिन वो देखने के लिए भीड़ नहीं करना है, अपने घर पे निकल जाना है। कोई दुकान खुला नहीं रहेगा, लॉकडाउन सख्त लॉकडाउन है, सबको सूचित किया जाता है। कोई अगर दुकान चालू रखेगा या कोई भाजी का ठेला चालू रखेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीड़ होना नहीं चाहिए, इसीलिए हर एक आदमी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यही विनंती आपको किया जाता है। जगदीश शेट्टी रोड वर्ती और लालजी पाडा गणेश नगर या परिसरात राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांना विनंती करण्यात येत आहे, मास्कचा वापर करायचा आहे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचं आहे, कोणीही मार्केटच्या नावाखाली फिरायचं नाही, विनाकारण रस्त्यावरती यायचं नाही, गर्दी करायची नाही। पोलीस आपल्या सेवेसाठी आलेले आहेत, पोलिसांना पाण्यासाठी सुद्धा गर्दी करायची नाही। कृपा करून आपापल्या घरी जायचं आहे, कोणी रस्त्यावरती फिरणार नाही, कोणी बिना मास्क बाहेर येणार नाही, विनाकारण कुठेही बाहेर यायचं नाही आहे। अत्यंत आवश्यक असेल इसेन्शियल कामासाठीच आपल्याला बाहेर यायचं आहे, कृपा करून सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि आपल्या सहकार्याची अपेक्षा आहे। धन्यवाद। Thank you.